गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम इन योर ट्यूटोरियल एमपी जीके स्टडी पॉइंट बाय नारायण सर। तो आज हम शेड्यूल कास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ट्राइबल मैरिजेस। तो आप सबको पता है कि ट्राइबल मैरिजेस को लेके काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है, तो आज हमने शेड्यूल ट्राइब्स में वही टॉपिक उठाया है, ट्राइबल मैरिजेस। देखिए, ट्राइबल मैरिजेस को पढ़ना है तो सबसे पहले पढ़ने का तरीका आपको पता होना चाहिए। तो हम ट्राइबल मैरिजेस के बारे में सबसे पहले हम बेसिक्स पढ़ेंगे, बेसिक्स के बाद हम पर्टिकुलरली किस ट्राइब्स के लिए कौन सी मैरिजेस इम्पोर्टेंट हैं वो पढ़ेंगे। तो दूसरा टॉपिक हो जाएगा हमारा पर्टिकुलरली ट्राइबल मैरिजेस कौन कौन सी हैं, और तीसरा हम थोड़ा एडवांस पढ़ेंगे। और एडवांस में हम क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ मैरिजेस इन ट्राइबल ग्रुप, कितनी तरह की मैरिजेस हैं, ये सभी आपको पढ़ना ज़रूरी है। ये लेक्चर मेंस के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप देखिए, हमने देखा है ट्राइबल मैरिजेस, तो हम सबसे पहले बेसिक्स, कुछ टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए, ये आपसे प्री में पूछी जा सकती हैं, 3 मार्क्स में पूछी जा सकती हैं। सिमिलरली दूसरे डायग्राम से आपको प्री का क्वेश्चन क्लिक करेगा कि कौन सी ट्राइब्स में किस तरह की मैरिज है वो, और तीसरा भी आपसे प्री में और मेंस में बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा बेसिक पोर्शन, बेसिक पोर्शन। तो ट्राइब्स के बारे में, ट्राइबल मैरिजेस हम पढ़ रहे हैं, जो बेसिक्स क्वेश्चन ये है कि कुछ टर्मिनोलॉजी से आपको फेमिलियर होना चाहिए। तो व्हाट आर दोस टर्मिनोलॉजी, दीज आर द वर्ड्स दैट यू शुड नो एट वेरी बेसिक लेवल, लाइक व्हाट इज मोनोगैमी, what is polygamy, what is levirate marriage, what is sororate marriage, 5th one, what is hypogamy, what is hypergamy, Similarly, what is parallel cousin marriage, what is cross cousin marriage, what is next polygyny and polyandry. So these are the terminologies that you should have familiar with. अब देखिए, कोई सी आपको एक सिंपल सी एक लाइन प्री में दे दी जाएगी और आपको ये ऑप्शंस बना दिए जाएंगे 10 में से, तो आपको पहचानना है कि ये आखिर है क्या। तो देखिए, इसको हम कवर करते हैं सबसे पहले सिंपली। तो सबसे पहले आप इसको समझना शुरू करिए। देखिए, हम जब भी ट्राइबल मैरिजेस पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले, आपने देखा होगा, सिंपल सी चीज़ जो चलन है वो ये है, जब भी ये मैं दो इस तरह बाल बनाऊं तो समझना ये है फीमेल, बाल नहीं बनाऊं तो आपको समझना है ये है मेल। तो दो तरह की मैरिज जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। पहली मैरिज ये है कि यहाँ पे कोई एक इंडिविजुअल है जो सिर्फ एट ए टाइम दूसरे किसी एक ही इंडिविजुअल के साथ एंगेज है, और दूसरे में एक इंडिविजुअल एट ए टाइम मोर देन वन अदर इंडिविजुअल के साथ एंगेज है। तो यहाँ पे मेल कई फीमेल के साथ एंगेज है, यानी ये उसकी वाइफ है, और जो फीमेल है वो एक से ज़्यादा मेल के साथ एंगेज है। तो ये फीमेल है और ये एक से ज़्यादा मेल है, ये सिचुएशन सबसे पहले देखने को मिलती है। तो आप देखिए,
जब अगर ये पाया जाए तो यहाँ पे हम क्या कहने वाले हैं, यहाँ पे हम कहने वाले हैं इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप इन विच एन इंडिविजुअल हैज़ ओनली वन पार्टनर एट अ टाइम, ओनली वन पार्टनर एट अ टाइम, तो ये मैरिज कहलाती है मोनोगामी, मोनोगामी। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम सिंपल सा कहेंगे दिस इज़ द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मल्टीपल, एक शॉर्ट में अपन यूज़ करेंगे स्पाउसेस एट अ सेम टाइम। स्पाउस मतलब हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकता है। तो अगर ऐसा है तो ये कहलाएगी पॉलीगैमी। और सिंपल सा पॉली मतलब मैनी और गैमी मतलब मैरिज। तो यहाँ पे स्पाउस वर्ड याद रखना है, इसमें आ जाएगा। और ये है मोनो मतलब सिंगल, गैमी मतलब मैरिज। तो ये हमारा हो गया सबसे पहला पार्ट। तो अगर एक ही एक समय पे एक ही स्पाउस के साथ शादी है तो हम कहेंगे मोनोगामी, और अगर एक से ज़्यादा है तो पॉलीगैमी। हमने दो टर्मिनोलॉजी क्लियर की। नेक्स्ट अपन चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए आप, अब हमने देखा है कि पॉलीगैमी क्या है, मतलब हियर व्हाट वी आर डिस्कसिंग, वी आर डिस्कसिंग बेसिकली इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मल्टीपल स्पाउसेस एट अ सेम टाइम, दीज आर पॉलीगैमीज। अब पॉलीगैमीज में दो केसेस बनते हैं, आप भी समझ गए होंगे मैं क्या बात करने वाला हूँ। यहाँ पे एक केस ये है कि जो मेल है वो एक से ज़्यादा फीमेल के साथ एंगेज है, ये सब उसकी वाइफ हैं, फीमेल फीमेल फीमेल। और फीमेल के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं गायनी। सिमिलरली दूसरे केस में ये फीमेल है और ये एक से ज़्यादा मेल के साथ एंगेज है, और मेल के लिए जो वर्ड है वो है एंट्री। तो यहाँ पे कई हैं और कई के लिए हम यूज़ करते हैं पॉली और मेल के लिए एंट्री। तो हम सिंपल सी ये जो मैरिज है ये है पॉली एंट्री, और ये जो मैरिज है कई हैं तो हम पॉली करेंगे, पॉली गायनी। तो ये हमारा हो गया। दूसरी हमने दो टर्मिनोलॉजी सीखी, पॉली गायनी पॉली एंट्री। एंट्री मतलब यहाँ पे मेल और पॉली मतलब कई, कई मेल हैं तो ये हो गया पॉली एंट्री, और कई फीमेल हैं तो पॉली गायनी। हमने चार टर्मिनोलॉजी को यहाँ पर पढ़ लिया है। अब दूसरा देखते हैं अपन। आपने यहाँ पे कज़न मैरिज सुना है, कज़न मैरिज। अब कज़न मैरिज में देखिए कैसे दो तरह की मैरिज आप पढ़ने वाले हो कज़न में। एक पढ़ने वाले हो आप क्रॉस कज़न मैरिज, मतलब चाचा मामा में शादी हो जाना, इस तरह का हम पढ़ने वाले हैं। और एक है पैरेलल कज़न मैरिज। आखिर ये है क्या, तो आप देखिए यहाँ पे हम तीन शब्द यूज़ करेंगे। सबसे पहले लास्ट में तो फीमेल ही आने वाली है, इधर भी लास्ट में क्या आने वाली है, फीमेल। अब क्रॉस मतलब उल्टा करना है, क्रॉस में उल्टा करना है, कैसे, जैसे मेल के साथ फीमेल एंगेज करना है। तो यहाँ पे फादर के साथ सिस्टर को एंगेज करना है एस, ना कि ब्रदर को, क्रॉस उल्टा उल्टा। एक ये मेल है तो ये फीमेल है, और लास्ट में फीमेल फिक्स है, इस तरह से। तो इसी तरह से फादर के साथ करो, और अगर उल्टा करना है, अगर यहाँ पे मदर है तो मदर के साथ उसी के फैमिली का, उसका ब्रदर यूज़ करो, ये है। तो मतलब अगर ये मदर मतलब ये माइनस, तो उसका ब्रदर होना चाहिए पॉजिटिव, और सिमिलरली जो फादर है वो पॉजिटिव है तो उसकी बहन जो है वो नेगेटिव होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये, हमें सिर्फ तीन शब्द से हम करेंगे, और पैरेलल में सेम सेम चीज़, मतलब कि अगर पॉजिटिव मेल है तो मेल के साथ, से फादर के साथ सिस्टर नहीं लेंगे, फादर खुद जो है मेल है तो फादर का ब्रदर ले लो, और लास्ट में
यहाँ पे आ जाएगा फीमेल यानी कि डॉटर, यानी लास्ट वर्ड तो डॉटर सब में फिक्स है ये। अब अगर फादर की जगह हम मदर लेंगे तो यहाँ पे हमने कहा है या तो दोनों सेम होंगे पॉजिटिव पॉजिटिव, अगर मदर फीमेल है तो मदर की बहन जो होगी सिस्टर वो भी क्या होगी फीमेल। तो यहाँ पे पर्सन की शादी होगी पैरेलल कज़िन में किसके साथ, फादर के भाई की बेटी से। यहाँ पे होगी मदर पर्सन की शादी मदर की बहन की बेटी से। तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव, मतलब फीमेल फीमेल यूज़ करना है, यहाँ मेल मेल यूज़ करना है। तो यहाँ पे अपना हो गया ये। दूसरा जो है यहाँ उल्टा होगा, यानी कि अगर फादर है तो पॉजिटिव, तो इसके साथ फीमेल लो, फादर की बहन लेना है ना कि ब्रदर, यानी नेगेटिव, और लास्ट में तो डॉटर आना ही है। सिमिलरली मदर के साथ ब्रदर को लेना है, क्योंकि मदर फीमेल है तो ब्रदर पॉजिटिव है, तो यहाँ उल्टा लेना है। तो क्रॉस मतलब सेम सेम नहीं आना है, पैरेलल मतलब सेम सेम आना है बस। अब इसी को हमको जो है डिफाइन कर देते हैं हम सिंपल सा, हम मैरिंग मैरिज ऑफ पर्सन टू, इसको उठा देना है, फादर्स ब्रदर्स डॉटर इज कॉल्ड पैरेलल कज़िन मैरिज, और मैरिज ऑफ पर्सन टू मदर्स सिस्टर्स डॉटर, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। सिमिलरली हम यहाँ पे चलें, मैरिज ऑफ पर्सन टू, इसी लैंग्वेज को बोलना है, फादर्स सिस्टर्स डॉटर, और मैरिज ऑफ पर्सन टू मदर्स ब्रदर्स डॉटर। तो ये हमने यहाँ पे कंप्लीट की अगली दो टर्मिनोलॉजी, क्रॉस मतलब प्लस माइनस, पैरेलल मतलब प्लस प्लस और माइनस माइनस, लास्ट में डॉटर शब्द आएगा। तो ये भी हमारी टर्मिनोलॉजी हो गई तीन। इसके बाद हम चलते हैं, दो और टर्मिनोलॉजी होती हैं, एक होती है हाइपरगामी और एक होती है हाइपोगामी। देखिए सिंपल सा, हम पढ़ रहे हैं ट्राइब्स, और ट्राइब्स में गर्ल्स है वो सेंटर में है, और गर्ल्स की जो ब्राइड है वो सेंटर में चलेगी टाइप्स ऑफ मैरिजेस में गर्ल्स। हाइपर मतलब होता है ज़्यादा, तो यहाँ पे ज़्यादा क्या है, गर्ल्स की कास्ट है, तो जो गर्ल्स है वो अपर कास्ट की और जो बॉयस है वो लोअर कास्ट, तो कहलाएगी ये हाइपरगामी। तो गर्ल्स की कास्ट होना चाहिए अपर कास्ट, और ये मैरिज करने वाली है बॉय से जिसकी कास्ट कैसी है, लोअर कास्ट लोअर क्लास। हाइपो मतलब है कम, पर गर्ल्स की सेंटर में है, तो गर्ल्स जब लोअर क्लास की हो और बॉयज हायर क्लास का हो यानी अपर क्लास का हो, इस तरह की मैरिज को कहा जाता है हाइपोगामी। तो हमने हाइपर मतलब ज़्यादा, पर क्या, गर्ल्स की ज़्यादा ना कि बॉयज की, हाइपो मतलब कम, क्या गर्ल्स की जो कास्ट है वो छोटी होगी, ये हमने देखा हाइपर और हाइपो। अब इसके बाद दो और टर्मिनोलॉजी आपने छोड़ी हैं, जिसमें एक अपनी है, आप देखेंगे हमने ये पढ़ी हुई है, हाँ पॉलीगाइनी कंप्लीट। नाउ लेविरेट और सोरोरेट क्या है, लेविरेट सोरोरेट देखिए, लेविरेट सोरोरेट, यहाँ पे जो सेंटर है वो यहाँ पे है डेथ। अब डेथ किसकी है, मान लो एक कपल कंसीडर करते हैं हम, ये है फीमेल यानी कि वाइफ और ये है हस्बैंड, हस्बैंड हस्बैंड का एक ब्रदर ले लेते हैं और वाइफ की एक सिस्टर ले लेते हैं। अब यहाँ पे डेथ हो जाएगी इन दोनों में से किसी की, डेथ हो जाएगी। तो अगर हम जैसे माने हस्बैंड की डेथ हो गई, अब डेथ हो गई है तो उसका जो भाई है छोटा भाई वो शादी कर लेगा वाइफ से,
अगर ऐसा केस है तो हमने मान लिया इनकी जो डेथ है तो जो यंगर ब्रदर है वो शादी कर लेगा इसकी वाइफ से, ये कहलाएगी हमारी लेबरेट मैरिज। लेबरेट मैरिज। सिमिलरली अगर वाइफ की डेथ हो जाए तो उसकी जो बहन है वो इससे शादी कर लेगी, ये हमारी कहलाएगी सोरोरेट मैरिज। तो सोरोरेट को ये कौन हुई, हस्बैंड जिससे शादी करने वाला, ये साली हुई एक्चुअली, तो इसे हम कहते हैं साली विवाह। और ये कौन हुआ, ये लेबरेट है, तो यहाँ पे ये देवर विवाह, ये इनका देवर लगा तो ये हम विवाह कहेंगे देवर विवाह। तो ये इस तरह से आपको टर्मिनोलॉजी क्लियर होना चाहिए। तो हमने सबसे पहला सेक्शन देख लिया, अब हम पढ़ते हैं इसको कि 10 टर्मिनोलॉजी से आ जाए तो ये है। गामी मतलब शादी और मोनो मतलब सिंगल, तो एक व्यक्ति की एक से शादी एट ए टाइम है मोनोगामी। पॉली मतलब कई, गामी मतलब शादी, एक व्यक्ति की एक से ज़्यादा पत्नियाँ या पति हों पॉलीगामी। लेबरेट देवर, सोरोरेट साली विवाह, ये भी हम कर चुके हैं। हाइपो मतलब ज़्यादा, हाइपर मतलब, हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज़्यादा, पर क्या, यहाँ पे क्लास, तो हाइपर मतलब गर्ल्स की क्लास होगी अपर, अपर क्लास, और यहाँ पे गर्ल्स की क्लास होगी लोअर क्लास एलसी, और वो शादी करेगी अपोजिट में। पैरेलल कज़न, क्रॉस कज़न, क्रॉस कज़न मतलब प्लस माइनस और डॉटर, और यहाँ पे पैरेलल कज़न मतलब माइनस माइनस और प्लस प्लस, यानी प्लस का मतलब है फादर ब्रदर डॉटर, माइनस का मतलब है मदर सिस्टर डॉटर। गायनी मतलब फीमेल, पॉली मतलब कई, कई फीमेल मतलब एक हस्बैंड और उसकी कई बीबियाँ, पॉली गायनी। एंट्री मतलब मेल, पॉली मतलब मैनी, मैनी मेल मतलब कि एक लड़की कई हस्बैंड, यानी पॉली एंट्री। ये हमारा पहला टॉपिक हमने कंप्लीट किया बेसिक्स। थैंक यू वेरी मच, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो MPG के स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, और अब हम नेक्स्ट टॉपिक मैरिज का करते हैं जिसमें हम शुरू करेंगे पर्टिकुलरली ट्राइबल मैरिज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।